क्या बात है, क्या बात है। किसकी कब्र खोद रहे हैं ये? पता नहीं, मैंने तो लारन कामन बनाया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। घर पे बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है, देखो आजकल कहीं जाना हो नहीं रहा ना जाना ना, क्योंकि थोड़ा सिस्टम लगा पड़ा है। बताऊंगा ये भी बात तुम लोग को, मोनेटाइज चैनल नहीं है मेरा, तो आना जाना कहीं हो भी नहीं रहा। तो जब भी दिल ही नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो देखो ना, ये कहने से अच्छा है कि छोटे बन रहे हैं, अच्छे नहीं बन रहे, मोटिवेट कर लो यार। दुआ करो जल्दी से ये मसला हल हो। तो मज़े के ब्लॉग्स हैं, और आपका भाई अभी जा रहा है जिम, तो जिम में मिलते हैं। तुम लोग को ना एक मज़े का सीन दिखाता हूँ, बहुत मज़े का, हमारे लिए भी मुश्किल हो गई। ये चेक तो करो, जो मैंने उस दिन बताया नहीं था कल वाले ब्लॉग में, आज हालत देखो क्या हो गई है। ये अभी यहीं से ही पता चल रहा है, नीचे देखना हालत क्या हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय, कब्र खोद रहे हैं, पता नहीं क्या, किसकी कब्र खोद रहे हैं ये? पता नहीं, मैंने तो लारन कामन बनाया। वुहू, ये तो आपने इंस्टेंट कॉमेडी कर दी। चेक किया जवाद साहब, ये पार्ट बाद में लगाना, ट्रांजिशन वाले पार्ट के बाद, समझे, क्योंकि आगे पीछे हो जाता है व्लॉग। ये पार्ट भी लगा देना ताकि लोगों को पता चले कैसे समझाना पड़ता है तुम्हें। पर भाई तुझसे ओपिनियन मांगा किसने, क्यों दे रहा है? लगी रश लगी पड़ी है दुनिया में ना, हलचल रुकती नहीं है, बस कभी ना कभी चल ही रहा है, कराची का ये निज़ाम है। अच्छा मेरी गाड़ी किधर है? अच्छा ये रही, अच्छा वहाँ पे मेरा घर है, और ये रही गाड़ी, इतना दूर, ये रही। गर्मी है लेकिन वेदर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। एज़ यूजुअल कराची में वैसे बहुत गर्मी होती थी, अब बहुत बेहतर है, बहुत काफ़ी हद तक। तो ऐसे ही अपन जा रहे हैं जिम। हम कहाँ जाएंगे? जिम। हम कहाँ जाएंगे? जिम। एकदम डोरा दी एक्सप्लोरा वाली फीलिंग आई है कसम से। दे दो चाचा चाचा, साइड दे दो ना। तो सीन ये कि असद भाई और मेरे दरमियान हो गई है रेस शुरू यहाँ पे, जिसका स्टेमिना ज्यादा मशीन पे खड़े हो गए। जिम में कोई भी नहीं है, टेंशन नहीं है, है ना, ऐसी बात है ना। इसमें चार रुपए बेटा नहीं दे, चीटी के बेटा भाग भाग भाग। अपने जिम में खेलना कूदने लगा। भाई हालत टाइट हो गई है भाई, बहुत गर्मी है आज, क्लास की गर्मी है। ये गर्मी है लेकिन वेदर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। अब आए ना लाइन पे। जिम का मालिक चाय का काम भी करता है, ये होटल में काम शुरू कर दे। इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि क्या बताऊं तुम लोग को, मौसम चेक करो है, इधर से इतना नहीं पता चलेगा, शायद ब्लर हुआ हुआ था ना आपका भाई, लेकिन बहुत सेक्सी मौसम हो रहा है। तो मेरे दांतों में है दांत, जल्दी से खड़ा बंद कर दिया भाई, ये कर के उड़ भाई, क्या कुआं खोद रहे हो क्या? इतनी कोशिश कर रहा हूँ छुट्टी करने की, लेकिन उतनी ही फंसा हुआ हूँ, मैं भी फंसा रहा है। तो ये देखो पढ़ रहा हूँ बैठ के, स्कूल का काम कर रहा हूँ, फिर भी छुट्टी नहीं करवा रहे हैं। मैं खुद तो जिम से आया एंजॉय करके, मुझे नहीं जाने बोल जाओ जाओ। ये देखो इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, स्कूल में भी
ट्यूशन में भी घर पे भी फिर भी नहीं छुट्टी कर पाते। लड़के की ड्रामेबाजियां चेक करें, अभी देखे बाल बना रहा है, रो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, इसने व्लॉग बनाया सही है कि ट्यूशन नहीं, मैं सुन रहा था सब, मैं यहीं पे शेक पी रहा था सामने ना, मैं जिम से आया, अभी मम्मा को बोलता दांत में दर्द है, बोला नहीं जा रहा, इतनी ड्रामेबाजी, इतनी अभी रो रहा था दांत में दर्द है, अभी फिर ना मैं नमाज पढ़ रहा था, मम्मा गई शेरी से बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहे थे बताओ, हाथ के बारे में, तब इसका दर्द खत्म हो गया, असर आया जब मम्मा ने बोला ट्यूशन जाओ तो रोने शुरू हो गया था। तुम जाओगे ट्यूशन बेटा, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी इधर हूँ ये भी इधर है, देखना अभी बैग पहन के जा रहा होगा। मैंने व्लॉग बंद करके मैंने से बोला जा ट्यूशन, इसकी हवा टाइट हो गई, देखा भरा है अपना। जाओ ट्यूशन, ट्यूशन जाओगे बेटा आज कुछ भी हो जाए। इमोशनल ब्लैक में बोला अब मैं तुम्हारे व्लॉग नहीं बनाऊंगा, रो रहा है। मम्मा बोल रहा मारा है इसने मुझे, मैंने अल्लाह की कसम टच भी नहीं किया इसे। एक एक अभी तो तुम रो रहे थे, देखा इसकी हरकत है, ड्रामे बाजिया चेक करो आप इस लड़के की। इधर आओ, फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस दो। सीन ये, घर पे कब से बोर हो रहे थे तो सोचा बार बार जाए, थोड़ा राउंड राउंड मार के आए, बाहर नशर हो गया। ये देखो हालत, देखो रोड की, अब पता नहीं कब सही होगा। मेरी गाड़ी तो वहाँ दूर खड़ी हुई है भाई। कराची का यही सीन है कि यहाँ पे ट्रैफिक यकीन और इतना ज्यादा होता है, तुम लोग की सोच है, जैसा इंडिया का सीन है ना वैसे ही, क्योंकि काफी लोग इंडिया से भी हमें देखते थे, जब भी मैंने सोचा बता दूं, तो भाई यहाँ पे एंड लेवल का ट्रैफिक होता है। जहाँ हमें लाइक 5 मिनट में पहुंचना होता है ना, छोटी एग्जांपल है, जहाँ हमें 5 मिनट में पहुंचना होता है, ट्रैफिक की वजह से हम 20-25 मिनट में पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। हाँ पूछा नहीं था भाई। यार सीन ये कि अभी मैं दोस्त के पास ही जा रहा था, इतनी जोर का सूसू आया, सामने रेस्टोरेंट था छोटा सा, इतनी जोर का मुझे आया ना, तुम लोग की सोच है यार, कसम से। शुक्र है वो बंदा पहले ना यूं सोच रहा था, मैंने बोला बहुत अर्जेंट है, मेहरबानी होगी बहुत बहुत, यकीन करो मैंने ये गियर भी डी में ही था मेरा, मैं इतनी जल्दी रोक के भागा हूँ। सीन ये कि अभी आपका भाई घर आया और घर जाके फिर आपको अपडेट देता हूँ, क्योंकि हालत टाइट हो गई है। मजे की बात, आज का व्लॉग बड़ा मजे का और लंबा बना है, आए हाय हाय मजा आ जाएगा तुम लोग को वैसे। भाई इधर आए, इधर आए, इधर आए गाइस, एक मिनट रुके, एक मिनट सबरों जमीलों, इधर बैठे बैठे गाइस। तो सीन ये कि रात का खाना अपना ये है, और जानू कोल्ड ड्रिंक छोड़नी है, अजीब चाहल बंदे भी शाम में खाना खाते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय गुड नाइट। पढ़िए झूठ, देखा दिल को दिल से राह होती है, कोल्ड ड्रिंक की राह मुझे खुद आ गई। सॉरी फॉर टुडेज व्लॉग, उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।